हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के ओटीटी अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबकी फेवरेट स्पाइडरमैन नो वे होम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होगी और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होने वाली है। तो सभी के अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रेकिंग अपडेट जो कि आपको काफी ज्यादा निराश करेगा। स्पाइडरमैन नो वे होम ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि आपको अराउंड 5 से 6 मंथ के अंदर नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस पे तो दिखने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब इसका रीजन क्या है, क्यों रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि आप सब बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि भाई स्पाइडरमैन नो वे होम तो ऑफिशियली दिसंबर के महीने में रिलीज हो चुकी है, पर इतना टाइम क्यों रिलीज होने में। तो सबसे पहले मूवी अभी तक थिएटर में चल रही है और सोनी के भी हाल ही में रिपोर्ट जो आ रही है कि सोनी की डील हुई है स्टार से, जी हाँ, जो कि एक यूएस बेस्ड कंटेंट प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर स्पाइडरमैन नो वे होम सबसे पहले यूएस वालों को देखने को मिलेगी। अब इंडिया का दूर दूर तक तो कनेक्शन नहीं है, फिर भी फरवरी का महीना चल रहा है और एक ऑफिशियली अपडेट आया है कि 28 फरवरी को अगर आप मूवी को रेंट पे देखना पसंद करते हैं तो आप अमेजोन प्राइम, एप्पल टीवी, गूगल प्ले और वुडू पर देख सकते हैं। जी हाँ, 28 फरवरी को ऑफिशियली रिलीज हो रही है स्पाइडरमैन नो वे होम रेंट के लिए और खरीदने के लिए भी, पर डिज्नी प्लस नेटफ्लिक्स पर आप इसको नहीं देख सकते हैं। पर जैसा भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा, पर फिलहाल 6 मंथ तक तो कोई भी चांसेस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो सबसे पहले टॉम हॉलैंड ने कंफर्म कर दिया है कि आने वाले फ्यूचर में वो डेडेविल कैरेक्टर के साथ दोबारा से टीम अप करना चाहते हैं। जी हाँ, तो यानी कि फ्यूचर में हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट में तो देखने को मिल ही रहे हैं चार्ली, पर आने वाली फ्यूचर स्पाइडरमैन मूवी में देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ किंग पिंग भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है फ्यूचर एमसीयू में, वो भी स्पाइडरमैन के साथ। चलिए अब बात करते हैं एक और ऑफिशियली कंफर्मेशन अपडेट के साथ। तो मैडम वेब का अपडेट तो आपको मेरे इंस्टाग्राम से मिल ही गया होगा, पर वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो फाइनली मैडम वेब की ऑफिशियली कास्टिंग हो चुकी है, स्पाइडरमैन की स्पिन ऑफ मूवी है जिसमें कि आपको मल्टीवर्स देखने को मिलेगा और डिकोस्टा ऑफिशियली इसको कास्ट करी गई है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और फाइनली उन्होंने कंफर्मेशन करी ऑन इंस्टाग्राम अपना एक स्पाइडी वेब लगाकर। जी हाँ, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए क्योंकि इसमें मल्टीवर्स देखने को मिलेगा। उसी के साथ अब बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के ब्लू रे अपडेट के बारे में। तो ऑफिशियली हिंदी, तमिल, तेलुगु में स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होने वाली है अप्रैल के मंथ में, जिसमें कि आपको 100 मिनट की एक्स्ट्रा रनिंग टाइमिंग देखने को मिलेगी, जिसमें कि स्पाइडरमैन का एंट्री सीन, डॉक्टर ऑक्टेविया स्पाइडरमैन का ब्रिज वाला फाइट सीन, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसी के साथ एक्स्ट्रा अपडेट है बहुत ही कमाल का कि आपको फ्यूचर में मिस्टूरियो और राइनो भी देखने को मिलेंगे। स्पाइडरमैन नो वे होम में तो पॉसिबल नहीं हो पाया, पर आने वाले फ्यूचर में ये दोनों कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर अपडेट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।